जयपुर में आज क्या कुछ हुआ आप देखिए हमारे साथ। चूरू में परिवहन निरीक्षक से मारपीट के मामले को लेकर राजस्थान परिवहन निरीक्षक संघ के निरीक्षक एवं अन्य कर्मचारियों का कार्य बहिष्कार रहा। इसके चलते आमजन के कार्य प्रभावित हुए। संघ के अध्यक्ष राजेश चौधरी ने बताया कि पिछले दिनों चूरू में परिवहन निरीक्षक सुरेश विश्नोई के साथ कुछ लोगों ने मारपीट की थी। इस संबंध में संबंधित थाने में रिपोर्ट भी दर्ज कराई जा चुकी है। इसके बाद भी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई। साथ ही विभाग ने निरीक्षक का तबादला भी कर दिया। इसको लेकर राजस्थान परिवहन निरीक्षक संघ ने विभाग की ACS और आयुक्त को ज्ञापन देकर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग भी की जा चुकी है, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं की गई। इसको लेकर पूरे प्रदेश भर में पेन डाउन हड़ताल कर कार्य का बहिष्कार किया गया। इसमें मंत्रालय कर्मचारियों सहित अन्य संगठनों ने भी अपना समर्थन दिया है। आध्यात्मिक प्रवक्ता जय किशोरी की कथा नानी बाई का मायरा आरंभ हुई। ये कथा 3 दिन चलेगी, जिसमें पहले दिन श्रद्धालुओं की भीड़ रही। कथा सुनने के लिए सत्संग भवन सहित मंदिर प्रांगण खचाखच भरा रहा। कथा में पहले दिन नरसी जी के बारे में बताया गया। पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव की जयंती पर PCC मुख्यालय पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस अवसर पर PCC संगठन महासचिव ललित तुनवाल, मुमताज मसीह, सचिव अयूब खान, PCC सदस्य शरीफ खान, प्रद्युम्न सिंह, मंजू शर्मा, महेश शर्मा, शकुंतला शर्मा, मनु शर्मा, राजेश पांडे, दीपक धीर, सत्येंद्र सिंह जादौन सहित अनेक कार्यकर्ताओं ने राव के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। नगर निगम में शुक्रवार को अवैध निर्माण के खिलाफ पुनः बड़ी कार्रवाई करते हुए देल्ही गेट क्षेत्र में एक व्यवसायिक निर्माणाधीन परिसर को सीज कर दिया। नगर निगम के अधिशासी अभियंता धर्मेंद्र आनंद के अनुसार पूनम मोटवानी और करा सिंधी का दिल्ली गेट मस्जिद के पास में व्यावसायिक परिसर का नक्शा स्वीकृत था, परंतु निर्माणकर्ता ने तीनों साइड 10 फुट सेटबैक को कवर करते हुए साथ ही एक ऊपर अतिरिक्त अवैध मंजिल बना ली थी। इसकी शिकायत होने पर नगर निगम ने जाँच कर सुनवाई की थी। निगम का दल शुक्रवार सुबह 8 बजे मौके पर पहुंचा और निर्माण परिसर को सीज कर दिया। अजमेर में स्थित रेलवे कॉलोनी, रेलवे अस्पताल, कारखानों, मदार डिपो और रेल कार्यालय में पिछले कुछ समय से पानी की सप्लाई काम आने को लेकर रेलवे मजदूर संघ ने शुक्रवार को कलेक्ट पहुंचकर प्रदर्शन किया। इस दौरान संघ के मंडल सचिव IAS जेकब ने बताया कि रेलवे को पिछले कुछ समय से जलदाय विभाग की ओर से मात्रा से कम सप्लाई कम दी जा रही है, जिससे रेल कर्मचारी और उनके परिवार को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पानी हर व्यक्ति की मूल बहुत सुविधाओं में से एक है, ऐसे में रेल कर्मचारियों में भारी रोष है। उन्होंने कलेक्टर भारती दीक्षित को ज्ञापन देकर जल्द से जल्द पानी की सप्लाई पूरी करने की मांग की है, जिससे वह आराम से जीवन यापन कर सके। रेलवे कॉलोनियों में पिछले 15 दिन से पानी की अत्यंत कमी है, जिससे तंग आकर पिछले 25-26 तारीख का स्थायी वार्तातंत्र बैठक के वक्त हमने माननीय मंडल रेल प्रबंधक महोदय के सामने भी ये बात रखकर निराकरण का मांग की। तब कुछ सत्य सामने आया कि प्रतिदिन 26 लाख लीटर प्रति पानी की आवश्यकता है रेलवे को एक दिन में। उसके बदले में PHD विभाग द्वारा पिछले 15 दिन से एवरेज औसत तौर पर 9 से 10 लाख लीटर ही पानी दे रही, यानी आवश्यकता का तुलना में एक तिदाई पानी दिया जा रहा है, जिसके कारण रेल कर्मचारियों में, रेलवे कॉलोनियों में पानी की पूरी तरह से तराई तराई मच रही है। इस स्थिति में माननीय कलेक्टर महोदया से हम अपील करने किया है कि एक मेमोरेंडम देकर इसको निराकरण शीघ्र करे। इस मेमोरेंडम को प्रतिलिपि माननीय मंत्री जी सुरेश रावत जी को भी, अजमेर के दोनों विधायकों को भी, माननीय आवासदेव देवनानी जी और अनिल बदेल जी को भी हमने इसका प्रतिलिपि उपलब्ध करा देंगे कि उनका भी इंटरव्यून हम उत्तर पश्चिम रेलवे मजदूर संघ जो सांसद अजमेर के सांसद को भी हम इसका प्रतिलिपि देकर उनसे भी इसका इंटरव्यून करने का अनुरोध करेंगे। उत्तर पश्चिम रेलवे मजदूर संघ रेल कर्मचारियों का समस्याओं के लिए, उनकी घर परिवार को समस्याओं के लिए हमेशा खड़ा रहा हुआ संगठन है, इसलिए इस विषय को लेकर हम रेलवे से बाहर भी आकर अगर जरूरत पड़ेगा तो धरना प्रदर्शन और आगे का प्रदर्शन के लिए भी रूपरेखा तैयार करेंगे। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार, साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है।
खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है, हर रंग में ढला, कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक देश के हर हिस्से तक। ये हकीकत का आईना है, ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।